अस्सलाम वालेकुम भाई। तो आज आपका भाई लेकर आया है आपके लिए दो चीज़ें। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास दराज और सीके के कुछ बैग्स हैं, तो आज मैं यहाँ पर कुछ अनबॉक्सिंग करूँगा दो चीज़ों की, जिसमें कि एक अदद है हमारे पास ट्राइपॉड और एक अदद है ऑडियो माइक, कॉलर माइक। तो मुझे माइक की ज़रूरत थी, आपको अभी मेरी आवाज़ बहुत ख़राब सुनाई दे रही होगी, तो इंशाल्लाह अब से थोड़ी देर बाद आप कुछ मेरी आवाज़ और ऑडियो क्वालिटी में थोड़ा फर्क महसूस करेंगे। लेकिन ये कोई सच क्वालिटी वाइज इतना डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी दो चीज़ें मैंने मंगवाई हैं, इसको अनबॉक्स करते हैं और थोड़ा सा आपको बताता हूँ मैं कि इन चीज़ों के फायदे क्या क्या हैं। तो भाई एक अदद तो आया हमारे पास ट्राइपॉड बबल रैप होकर, नाजरीन जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक अदर ट्राईपॉड मेरे पास आ गया है, तो थैली में चढ़ा हुआ है, काफ़ी अच्छा है। इसकी मुझे थोड़ी सी ज़रूरत थी क्योंकि जो मैंने पहले मंगवाया था वो टूट चुका था, तो मैंने कहा पहले लास्ट टाइम वाले का रिव्यू नहीं बना था तो इसका एक रिव्यू बनता है मेरे भाई। तो इसके साथ मोबाइल होल्डर भी फ्री है। इसकी मैं आपको प्राइस भी बताऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक दूसरी थिंग अनबॉक्स करके दिखाता हूँ। ओके ये है हमारा माइक, वो है बेबी आया है हमारे पास हाँ जी, तो क्लिप ऑन लेवलर माइक आप देख सकते हैं हमारे पास मौजूद है। ये कोई बिल बिल भी भेजा है इन्होंने बनाकर, लम्बा छोड़ा तो इसका हमारा कोई काम नहीं है। बाकी अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको ओपन करना है और थोड़ा सा डिस्कस करना है इसके फीचर्स के बारे में। मैंने सुना था सस्ता है, अच्छा है और थोड़ा सा मतलब ड्यूरेबिलिटी है, चल जाएगा। कुछ चाइना की ब्रांड है ये भाई, ये मेरे से पहले किसी ने खोला हुआ। ओके जी, तो देख सकते हैं एक अदद कॉलर माइक आपके भाई के पास हाजिर है। तो इसके फवायद आपको थोड़ी देर बाद पता लगेंगे, लेकिन उससे पहले इनकी प्राइस को डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, आपने देखा होगा इस ट्राईपॉड का और एक वो ट्राईपॉड जिसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ, उसका रिव्यू मैं बना चुका हूँ। इस ट्राईपॉड का फ़ायदा ये है कि काफ़ी ईजी टू यूज़ है, सही है, ईजी टू कैरी है, ज़्यादा वेट नहीं है। बाकी इसमें आप ये हैंडल देख सकते हैं, ये जो इसके अंदर एक ऑप्शन दिया है, तो इससे मैं मोबाइल को लगाकर यहाँ पर कैसे भी रोटेट कर सकता हूँ। दूसरा, मुझे इस ट्राईपॉड के साथ एक अदद होल्डर मिला है जो कि मार्केट में 100 से 200 रुपए में अवेलेबल है। अच्छा, तो मैंने ये चीज़ क्यों मंगवाई है, कि अगर मैं फॉर एग्जांपल कहीं छोटी जगह पर अपनी वीडियो रिकॉर्ड करना चाह रहा हूँ, कोई छोटी चीज़ को फोकस करना चाह रहा हूँ, तो मैं एक कैमरा लगाकर उससे एनदर जो अपना वे होगा, एनदर जो शॉट होगा, जो दूसरी वे का डायमेंशन होगा, मैं वहाँ से अपनी वीडियो बना सकूँगा। तो इसके दो तीन भी मकसद हैं, वो काम के साथ साथ पता लग जाएंगे। बाकी ये है कि काफ़ी अच्छी चीज़ है, ड्यूरेबल है, क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है। ये दो तीन किस्म की क्वालिटी में आ रहे हैं, मैंने ये तकरीबन 300 रुपये में मंगवाया है और इसी में का मेरे पास एक 200 रुपये में भी मौजूद है, लेकिन वो थोड़ा सा बॉक्स पैक है तो उसको तो मैं यूज़ नहीं कर रहा। बाकी आप ये देख सकते हैं क्वालिटी का थोड़ा सा डिफरेंस है मार्केट में, ऑब्वियसली आपको पता है जो होल्डर है वो बहुत टाइटली इन हो जाता है। तो एक तो हो गया हमारे पास ये, बाकी दूसरी चीज़ है हमारे पास माइक। अच्छा, इसका फ़ायदा ये है कि मैंने इस माइक को रखना है इधर, और अब मैं जो भी बोलूँगा ना वो बहुत साफ सुथरा बगैर किसी शोर शराबे के आप तक पहुँचेगा। तो मुझे नहीं पता कि इसकी रेजिस्टेंस नॉइज़ की कितनी अच्छी है, लेकिन फर्स्ट टाइम मैंने कोई सस्ता माइक मंगवाया है, सिर्फ इसी डर से कि मुझे आइडिया नहीं है कि किस किस्म की क्वालिटी का नो हाउ होना चाहिए बंदे को जो कि व्लॉगिंग और वीडियो ट्यूटोरियल बना रहे। तो जो मकसद है वो आपको खुद थोड़े टाइम बाद पता चलेगा, आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को थोड़ा सा अपग्रेड करेंगे। तो उसको ज़रा सा ट्राई करते हैं। ट्राई करने से पहले ये मैंने ऑर्डर किया था कोई आप कह लें 250 रुपये का, सही है, शिपमेंट के साथ मुझे 300 रुपये का पड़ा ये। तो 300 रुपीज़ में आपको एक कॉलर माइक घर बैठे मिल जाए, नॉट अ बैड थिंग। बहुत ही सस्ता माइक है, सबसे सस्ता अगर मैंने देखा है तो वो यही माइक है। तो
बताने की वजह, अनबॉक्सिंग करने की वजह यह है कि जो नए हजरात शामिल हो अपने ट्यूटोरियल या यूट्यूब के लिए कुछ किट बनाना चाह रहे हैं तो वो इन वीडियोस को देखकर आसानी अपने लिए चीज़ें ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल एक जेन्युइन रिव्यू और अनबॉक्स का बनाता हूँ मैं, ताकि देखने वालों को एक जेन्युइन चीज़ का पता लगे। बाकी क्वालिटी मैं इसको आपको थोड़े अर्से बाद ही बता सकूँगा, जब मैं अनदर कोई क्वालिटी ऑफ माइक परचेज करूँगा तो फिर मैं आपको इसका रिव्यू दे सकूँगा कि हाँ भाई इस माइक में और पिछले माइक में क्या फ़र्क था। तो थोड़ा सा इसको यूज़ करके देख लेते हैं, अगर आपको आवाज आए तो मुझे काइंडली क्वालिटी का बताइए कि हाँ भाई फ़र्क पड़ा या नहीं पड़ा। तो माइक तो यहाँ पर आ रहा है, मुझे नहीं पता आप लोगों को आवाज़ कैसी आ रही होगी, लेकिन आपको फ़र्क थोड़ा सा पता लगा होगा। तो फ़र्क के शशके जो हैं वो भाई ये कॉलर माइक है जो मेरे पास इधर लगा है, देख सकते हैं आप। अगर मैं अनबॉक्सिंग का अपना जो रुझान है वो आज से शुरू करेंगे, इस ट्रेंड को बरकरार रखेंगे, और आगे भी मैं बहुत सारी चीज़ें लेकर आने वाला हूँ आपके लिए। तो इंशाल्लाह तब तक के लिए आप भाइयों से गुजारिश है कि अपने अच्छे अच्छे रिव्यूज़ से मुझे कमेंट से बताएं, अगर आप कुछ जानना चाहते हैं, किसी चीज़ की अनबॉक्सिंग करवाना चाहते हैं। बाकी दो तीन चीज़ें हैं मेरे पास अभी आने के लिए, तो उसका रिव्यू आपका भाई जल्द पेश करेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।